Hello students, my name is Jogendra and today I am standing here on behalf of BM Public School. आज की वीडियो में हम क्लास सिक्स का चैप्टर वन सोर्सेस ऑफ फूड एंड फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स पे बात करेंगे. सोर्सेस ऑफ फूड एंड फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल, ये चैप्टर वन है क्लास सिक्स का. किस चीज का है? तो साइंस का. ओके तो यहाँ पे हम एक्सरसाइज करेंगे. एक्सरसाइज में सेक्शन ए है जहाँ पे दो सवाल दिए हैं. पहला है नेम टू सोर्सेस ऑफ फूड, फूड के दो सोर्सेस का नाम बताना है. जैसा कि आप जानते हैं कि फूड का एक सोर्स है जिसे हम प्लांट्स कहते हैं और दूसरा सोर्स है जिसे हम एनिमल्स कहते हैं. तो हमें फूड कहाँ से मिलता है? हमें फूड प्लांट से मिलता है और एनिमल से मिलता है. अब हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करेंगे. यहाँ कह रहा है कि नेम टू फूड्स, यहाँ पे आपको दो फूड का नाम बताना है दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स, जो हमें एनिमल से मिलता है. देख लेते हैं क्या क्या एनिमल से मिलता है. मिल्क कहाँ से मिलता है? एनिमल से. एग्स कहाँ से मिलता? एनिमल से. हनी कहाँ से मिलता? एनिमल से. मीट कहाँ से मिलता? एनिमल से. तो मिल्क, एग्स, हनी और मीट हमें कहाँ से मिलता है? ये हमें एनिमल से मिलता है. तो ये क्या हो गया? एनिमल्स फूड हो गया. ठीक है, तो हमें क्या करना है? नेम टू फूड्स, हमें दो फूड का नाम बताना है. आप कोई भी दो एग्जांपल्स लिख दीजिए. सेक्शन बी, एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया है और इसके कुछ ऑप्शन दिए हैं, आपको सही ऑप्शन पे टिक करना है. पहला क्वेश्चन, बीज प्रोवाइड अस विथ, बीज से हमें क्या मिलता है? तो बीज से हमें शुगर, मिल्क, टी, हनी. बीज से हमें क्या मिलता है? बीज प्रोवाइड अस विथ हनी. ओके, सेकेंड क्वेश्चन है मैन इज एन, मैन क्या है? हर्बीवोर, नो. इंसेक्टिवोर, नो. कार्निवोर, नो. तो क्या है? ओमनिवोर. मैन क्या है? ओमनिवोर है. क्यों? ये प्लांट भी खाता है और एनिमल्स भी खाता है. क्वेश्चन नंबर थ्री, पल्सेस आर द मेन सोर्सेस ऑफ, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है या विटामिन्स होता है? तो पल्सेस के अंदर हमेशा याद रखिएगा भरपूर मात्रा में क्या होती है? प्रोटीन होती है. क्वेश्चन नंबर फोर, फूड हेल्प्स इन, फूड से हमें क्या मिलता है? ग्रोथ मिलता है, रिपेयर बॉडी पार्ट्स, इससे हमारे बॉडी पार्ट्स में जो प्रॉब्लम होती है वो रिपेयर भी हो जाती है, और फूड से हमें एनर्जी भी मिलता है. तो हमें तो ये तीनों विकल्प दिया, एक और विकल्प दिया, ऑल ऑफ दीज. इसका मतलब हुआ कि फूड से हमारी ग्रोथ होती है, हमारे जो बॉडी पार्ट्स से रिपेयर हो जाते हैं, फूड से हमें एनर्जी मिलती है. तो ये तीनों ऑप्शन सही है. तो यहाँ पे हमको क्या टिक करना होगा? ऑल ऑफ दीज, कि ये सारे के सारे ऑप्शंस सही हैं. सेक्शन सी, फिल इन द ब्लैंक्स. पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें खाली स्थान में भरना है. पहला क्वेश्चन है कि कैरेट, रेडिश, टर्निप, ये जो तीन प्लांट आपको दिख रहे हैं ये किस तरह प्लांट के क्या हैं? ये तो ये प्लांट्स के रूट्स हैं जिन्हें हम एज ए वेजिटेबल यूज करते हैं. तो क्या होगा सेंटेंस? कैरेट, रेडिश, टर्निप आर रूट्स ऑफ प्लांट्स. सेकेंड क्वेश्चन है, एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड, वो एनिमल जो केवल प्लांट को एज ए भोजन खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हर्बीवोर्स. क्या कहते हैं? हर्बीवोर्स. थर्ड क्वेश्चन, आर यूज एज बेवरेजेज, बेवरेजेज की तरह यूज होने वाली कौन सी दो चीजें हैं? तो एक तो है टी, जिसे एज ए बेवरेजेज हम यूज करते हैं, और दूसरा है कॉफी. टी एंड कॉफी आर यूज एज बेवरेजेज. फोर्थ क्वेश्चन, फूड इज ऑब्टेन फ्रॉम, फूड कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? बोथ, कहाँ कहाँ से? तो प्लांट से और एनिमल से. यहाँ क्वेश्चन क्या है? फूड इज ऑब्टेंड फ्रॉम बोथ, कहाँ कहाँ से? प्लांट्स एंड एनिमल्स, इन दोनों जगहों से हम क्या करते हैं? फूड को ऑब्टेन करते हैं, गेट करते हैं. क्वेश्चन नंबर फाइव, शुगर इज फ्रॉम द जूस ऑफ शुगर केन. अच्छा, शुगर कहाँ से आता है? तो शुगर केन से आता है. शुगर कहाँ से आता है? शुगर केन से आता है. कैसे आता है? तो बनाया जाता है. तो यहाँ क्या हमें भरना है? मेड. शुगर इज मेड फ्रॉम द जूस ऑफ शुगर केन. अच्छा, क्वेश्चन नंबर सिक्स, स्पिनच इज ए, स्पिनच क्या है? तो भाई ये एक लीफी वेजिटेबल है. क्या है? लीफी वेजिटेबल है. यानी स्पिनच का जो हम पार्ट खाते हैं वो कौन सा पार्ट खाते हैं? लीफी वाला पार्ट खाते हैं.
सेक्शन डी, राइट ट्रू आर फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। यहाँ पे 5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आपको ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल है। पढ़िए, पहला है हनी इज अ प्लांट प्रोडक्ट। क्या हनी एक प्लांट प्रोडक्ट है? बिल्कुल नहीं, हनी क्या है? एनिमल प्रोडक्ट है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स। सेकेंड क्वेश्चन, एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। क्या जो एनिमल होते हैं अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं सेल्फ? नहीं, ये स्टेटमेंट सही है, एनिमल्स अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो गया? ट्रू हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, फूड इज कुक्ड टू मेक इट मोर डिलीशियस एंड ईजी टू डाइजेस्ट। क्या हम फूड को इसलिए कुक करते हैं ताकि वो डिलीशियस बन जाए और ईजी टू डाइजेस्ट हो जाए? जी हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ट्रू। चौथा नंबर है कि टोमेटो इज अ लीफी वेजिटेबल। क्या टोमेटो लीफी वेजिटेबल है? भाई स्पिनाच तो लीफी वेजिटेबल होता है, टोमेटो लीफी वेजिटेबल नहीं है, तो स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉड लीवर आयल, ये कॉड फिश के अंदर पाया जाता है। कॉड लीवर आयल इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए एंड विटामिन डी। तो बिल्कुल सही है, विटामिन ए और विटामिन डी की जो प्रचुर मात्रा है, जो रिसोर्स है, वो कहाँ पाया जाता है? कॉड लीवर आयल में। सेक्शन ई, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं इनके जवाब आपको छोटे में देने हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द टर्म नॉन वेजिटेरियंस। यहाँ पे आपको नॉन वेजिटेरियन टर्म्स को डिफाइन करना है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? पीपल हु ईट प्लांट प्रोडक्ट्स एज वेल एज एनिमल प्रोडक्ट्स। वो लोग जो प्लांट प्रोडक्ट को भी खाते हैं और एनिमल प्रोडक्ट को भी खाते हैं आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियंस, उन्हें नॉन वेजिटेरियंस कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, नेम द कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स। यहाँ पे आपको एनिमल्स की कैटेगरी बतानी है ऑन द बेसिस ऑफ दियर ईटिंग हैबिट। उनकी ईटिंग हैबिट के आधार पर आपको एनिमल्स की कैटेगरी को बताना है। तो ये कैटेगरी होती है उनकी हर्बीवोर, कार्निवोर, स्क्वेंजर्स, ओमनीवोर, डिकम्पोजर्स, पैरासाइट्स एंड इंसेक्टिवोर्स। अच्छा, हर्बीवोर में क्या होता है? हर्बीवोर कौन होते हैं? जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हर्बीवोर्स कहलाते हैं, जैसे कि काऊ। हर्बीवोर्स में क्या होता है? जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हर्बीवोर्स कहते हैं, जैसे कि काऊ, एलिफेंट्स। अब बात करते हैं कार्निवोर की। कार्निवोर कौन होते हैं? जो फ्लेश ईटिंग एनिमल्स हैं, जो फ्लेश खाने वाले एनिमल्स हैं, उनको क्या कहते हैं? कार्निवोर्स कहते हैं। और स्क्वेंजर्स कौन होते हैं? ये भी क्या होते हैं? फ्लेश ईटिंग एनिमल्स होते हैं। तो कार्निवर्स और स्क्वेंजर्स दोनों ही क्या है? फ्लेश ईटिंग एनिमल्स हैं, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है। जो कार्निवर है कैच दियर प्रे, अपने शिकार को खुद पकड़ता है, देन ईट, तब खाता है। और जो स्क्वेंजर्स हैं वो क्या करते हैं कि ईट द फ्लेश ऑफ डेड एनिमल्स, मरे हुए जानवरों के फ्लेश को खाते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस हो गया। कार्निवोर अपना शिकार खुद पकड़ता है और खाता है, और स्क्वेंजर मरे हुए मतलब डेड एनिमल्स के फ्लेश को खाता है। अच्छा, कार्निवोर का एग्जांपल क्या हो गया? यू नो, लायन, टाइगर। और स्क्वेंजर्स में कौन आ गए? वल्चर्स। अब आता है ओमनीवोर। ओमनीवोर में क्या होता है कि जो ओमनीवोर एनिमल होते हैं वो प्लांट को भी खाते हैं और फ्लेश को भी खाते हैं, मतलब प्लांट भी खाते हैं और एनिमल भी खाते हैं। तो प्लांट ईटिंग एनिमल्स एंड फ्लेश ईटिंग एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? हम उनको कहते हैं ओमनीवर्स। यानी ओमनीवर कौन होगा? जो प्लांट प्रोडक्ट को भी खाएगा और एनिमल प्रोडक्ट को भी खाएगा, यानी फ्लेश को खाएगा। जैसे कि ह्यूमन बींग, क्रो। अब डिकम्पोजर्स की बात करें। डिकम्पोजर्स में क्या है कि डिकम्पोजर्स वो होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बता दें, जो फंगाई हैं, जो बैक्टीरिया हैं, वो हमारे इन्वायरमेंट में एज ए डिकम्पोजर हैं। जो भी डेड प्लांट होते हैं, डेड एनिमल्स होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, ये फंजाई और बैक्टीरिया उन्हें डिकम्पोज कर देते हैं, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? डिकम्पोजर्स कहते हैं। ये हमारे इन्वायरमेंट को नीट एंड क्लीन करने के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। अदरवाइज अगर ये ना होते तो हमारे इन्वायरमेंट में डेड एनिमल्स और डेड प्रोडक्ट्स की एक बहुत बड़ी कतार बन जाती है। पैरासाइट्स कौन है? पैरासाइट्स, यू नो, मॉस्किटो का नाम आपने सुना है, बग का नाम सुना है, लीच का नाम सुना है, फ्लिया का नाम सुना है, तो ये सब क्या होते हैं? पैरासाइट्स होते हैं। ये क्या करते हैं कि होस्ट की बॉडी के आउटसाइड या इनसाइड,
जो होस्ट बॉडी है, मतलब जो जिंदा बॉडी है, चाहे वो एनिमल में कुछ भी हो, उसकी बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर क्या करते हैं, रहते हैं और उनसे अपने न्यूट्रिएंट्स की नीड को फुलफिल करते हैं। एग्जांपल के तौर पे मॉस्किटो, बग एंड लीच। अब बात करते हैं इंसेक्टिवर्स की। इंसेक्टिवर में क्या होते हैं, इंसेक्टिवर वो होते हैं जो इंसेक्ट ईटिंग एनिमल्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, इंसेक्टिवर्स कहते हैं। जैसे कि फ्रॉग इंसेक्ट को खाता है, लिजर्ड इंसेक्ट को खाता है, स्पाइडर इंसेक्ट को खाता है। तो ये हो गया हमारे दो सवालों का जवाब, नॉन वेजिटेरियन टर्म क्या है और कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स क्या है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ईटिंग हैबिट। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या है, तो बेसिकली ये भी एनिमल्स ही हैं। तो पैरासाइट्स डिपेंड ऑन अदर होस्ट एनिमल्स। होस्ट एनिमल का मतलब हम यहाँ पे लिविंग एनिमल की बात कर रहे हैं। सो पैरासाइट्स डिपेंड ऑन अदर होस्ट एनिमल्स फॉर देयर फूड। अपने फूड के लिए वो अदर होस्ट एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं। हम यहाँ पे एक टर्म और यूज़ कर सकते हैं, नरिशमेंट। तो पैरासाइट्स डिपेंड ऑन अदर होस्ट एनिमल्स फॉर देयर फूड आर देयर नरिशमेंट। एग्जाम्पल के तौर पे मॉस्किटो एक होस्ट बॉडी चाहिए, लीच इसको भी होस्ट बॉडी चाहिए, बग, फ्लिया और लाउज इन सबको एक होस्ट बॉडी चाहिए ताकि वो अपना नरिशमेंट कर सकें। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ फूड। फूड का मेन फंक्शन क्या है, तो फूड मेक्स आवर बॉडी वर्क, ग्रो एंड रिपेयर इटसेल्फ। सेक्शन F, यहाँ पे हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फूड। फूड के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, कुछ फंक्शन को आपको लिस्ट करना है। तो आंसर कैसे देंगे, लिखेंगे एक हेडलाइन कि द फंक्शंस ऑफ फूड। पहला क्या हो गया, फूड गिव्स अस ए लॉट ऑफ एनर्जी। फूड गिव्स अस ए लॉट ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स अस टू वर्क एंड प्ले। फूड से हमें ढेर सारी एनर्जी मिलती है जो हमें हेल्प करती है काम करने के लिए और खेलने के लिए। सेकेंड, फूड हेल्प्स अस टू ग्रो। ग्रो करने के लिए फूड हमारी हेल्प करता है। फूड मेक्स अवर बॉडी स्ट्रांग। फूड हमारी बॉडी को स्ट्रांग बनाता है। फूड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेज। फूड हमारी बॉडी को डिजीज होने से बचाता है। एंड फाइनली, फूड इज नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिम्स। किसी भी ऑर्गेनिम्स के लिए, किसी भी लिविंग बॉडी के लिए, उसके ग्रोथ के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, फूड की जरूरत पड़ती है। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ फूड। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ इज हनी मेड। हनी कैसे बनाई जाती है या हनी कैसे बनती है। तो पहले जाने कि हनी क्या है। हनी इज अ स्वीट लिक्विड। यह एक स्वीट लिक्विड है मेड बाय बीज, जो बीज के द्वारा बनती है फ्रॉम द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स। वो फ्लावर्स के नेक्टर से जो बीज होती हैं वो क्या करती हैं, हनी को बनाती हैं। हनी इज कलेक्टेड फ्रॉम बी हिव्स। हनी को कहाँ से कलेक्ट किया जाता है, तो बी हिव्स से। द हिव्स विच कंटेन हनी आर कॉल्ड हनी कॉम्स। हनी कॉम्स किसे कहते हैं, तो हिव्स को ही हम हनी कॉम्स कहते हैं, जो किसको कंटेन करता है, हनी को कंटेन करता है। सो एट लास्ट द रियरिंग ऑफ हनी बीज इज नोन एज एपिकल्चर। तो एपिकल्चर किसे कहते हैं, एपिकल्चर इज जस्ट रिलेट विद द बीज। ओके, तो द रियरिंग ऑफ हनी बीज इज नोन एज एपिकल्चर। व्हाट आर वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स क्या होती हैं, डिस्क्राइब सम प्लांट्स पार्ट्स दैट वी यूज एज वेजिटेबल्स। कुछ आपको प्लांट पार्ट्स को डिस्क्राइब करना है जिसको एज ए वेजिटेबल हम अपने यूज में लाते हैं। चलिए क्वेश्चन तो समझ में आ गया, व्हाट आर वेजिटेबल्स, डिस्क्राइब सम प्लांट पार्ट्स दैट वी यूज एज वेजिटेबल्स। आंसर देखते हैं, वी यूज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एज वेजिटेबल, इट कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोइंग्स। चलिए अब देखते हैं, कोई भी प्लांट रूट्स में डिवाइड होता है, स्टेम में डिवाइड होता है, लीफ में डिवाइड होता है और फ्लावर में डिवाइड होता है। ठीक है, यानी इतने पार्ट्स होते हैं हमारे प्लांट के। कहीं कहीं पे हम प्लांट्स के रूट्स को एज ए वेजिटेबल यूज़ करते हैं, जैसे कि कैरेट, रेडिश, टर्निप, स्वीट पोटैटो एंड बीट रूट। अगर आप कैरेट यूज़ करते हैं, रेडिश यूज़ करते हैं, टर्निप यूज़ करते हैं, स्वीट पोटैटो या बीट रूट यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब आप प्लांट का रूट वाला पार्ट यूज़ कर रहे हैं एज ए वेजिटेबल। अच्छा, दूसरा है स्टेम। कहीं कहीं पे किसी प्लांट का स्टेम हम यूज़ में लाते हैं, जैसे पोटैटो, ऑनियन, गार्लिक, जिंजर
ये क्या है, ये स्टेम वाले पार्ट हैं जिसको एज ए वेजिटेबल हम यूज़ करते हैं, एंड सुगर को केन को तो डायरेक्ट हम एज ए स्टेम यूज़ करते हैं। कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनकी लिप्स को हम एज ए वेजिटेबल यूज़ करते हैं, जैसे स्पिनच, लेट्यूस, कैबेज, कोरिएंडर एंड बासिल्स। बासिल्स का मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। फ्लावर्स, कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जिनके फ्लावर को हम एज ए वेजिटेबल यूज़ करते हैं, जैसे कि काली फ्लावर, ब्रोकली, बनाना फ्लावर, पम्पकिन फ्लावर। ठीक है, तो ये तो वो रहे प्लांट के पार्ट्स जिनको हम एज ए वेजिटेबल अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि क्लास 6 के साइंस के चैप्टर 1 के सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने फिनिश किया। आप इसको कॉपी कीजिएगा, आंसर ऐड कीजिएगा और उसे मेमोराइज करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू सो मच।